कक्षा 12 विषय हिंदी द्वितीय भाषा प्रकरण 3 कान भयबश बांसुरी की कवि शे रसखान। रसखान परिचय। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद उन्होंने लिखे। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। उनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। रसखान की कवित सविये अपने आप में अद्वितीय है। रसखान ने व्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनके लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है, सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। विषय वस्तु। यह प्रस्तुत प्रथम कविता में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियां ईर्ष्या करती हैं। सोतिया डाह से पीड़ित गोपियां अब ब्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरे कविता में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियां सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को, जो कृष्ण के ओठों पर थी, को अपने ओठों पर रखने से इनकार कर देती है। कवि ने दोनों कविता में गोपियों की मन स्थित का मार्मिक वर्णन किया गया है। ध्यान रखिए, कृष्ण भक्त रसखान के प्रथम सविये में सदा कृष्ण के साथ रहने वाले बांसुरी से गोपियां ईर्ष्या करती है। कान भये बश बांसुरी के, गोपियां कहती है कि कृष्ण बांसुरी को सदा अपने पास रखते हैं। अब कौन सखी हमको सही है, हे सखी, गोपियां बोलती है, हे सखी, अब हमें कौन चाहेगा। निशि दौषः, निशि मतलब रात, दौषः मतलब दिन, तो दिन रात, रहे संग साथ लगी बांसुरी निस दिन कृष्ण के साथ रहती है, उनके अधूरों पर बिरजती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है। सोतिया डासी पीड़ित गोपिया अपना दुख सहन नहीं कर सकती, सही है मतलब सहन करना। जिन मोही लियो मनमोहन कौ रसखानी, सदा हम कौ दही है। दही है मतलब दजाड़ती है, जलाती है। गोपियां कहती है कि बांसुरी ने कृष्ण का मन मोह लिया है और हमें सदा जलाती है। मिली आओ सबई सखी बागी चलई, अब तो व्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि उनका स्थान बांसुरी ने ले लिया है।
गोपियों क्या कहती है कि गोपिया अब व्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान बांसुरी ने ले लिया है। सब मिलकर ऐसा निर्णय करते हैं कि हम सब एकत्रित होकर यहाँ से भाग जाए, अब तो व्रज में बांसुरी ही रहेंगी। दूसरी सवैये में रसखान के दूसरे सवैये में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियों सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के ओठों पर थी उसको अपने ओठों पर रखने से इनकार करती है। मोर पंखा शीर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गहरे पहरूंगी। गोपियों कहती है कि मैं अपने शीर पर मयूर पंख रखूंगी, गले में गुंजा की माला पहनूंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन गोदन वारन शंग फेरूंगी। पीतांबर धारण करके साथ में लकुटी लेकर वन में गायों के साथ और ग्वाल बालों के साथ फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूंगी। गोपियों कहती है कि तेरे कहने से भाव तो बोहे मेरो रसखानी। गोपियों कहती है कि तेरे कहने से जो मुझे पसंद है वो वेश मैं धारण करूंगी, लेकिन मुरलीधर कृष्ण की मुरली का जो वे अपने होठों पर रखते हैं उनको मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी।